Hey guys, welcome back to my new video. इस वीडियो में मैं 5 टिप्स शेयर करूंगा that will help you to build muscles fast. सिर्फ वर्कआउट करने से आपकी मसल्स फास्ट नहीं होती, कुछ और भी डिफरेंट चीज़ें होती है जिससे आपकी मसल ग्रोथ इंक्रीज हो सकती है. आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे लाइक लिटरली इफ़ यू वॉच दिस वीडियो. मैंने ऐसे भी काफ़ी लोग देखे हैं जो 2 साल पहले जिम आते थे और अभी भी आते हैं एंड दे लुक सेम, देर इज़ नो ग्रोथ. और इन टिप्स ने मुझे काफ़ी हेल्प की है फॉर माई जर्नी, सो आई एम शेयरिंग दिस टिप्स विद यू गाइस. वीडियो को थोड़ा ओपन माइंड से देखना ताकि आपको हेल्प कर सके. एंड दैट्स इट फॉर इंट्रो. सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. टिप नंबर 1, मेडिटेशन. स्टडीज़ हैव शोन कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी मसल ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होती है. पर इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न मैं बताता हूँ. आपके बॉडी में होता है कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है. मुझे लगता है आजकल की जो सोशल मीडिया की जो लाइफ है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, जहाँ पे हमें टेंशन बहुत रहता है, सो अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस रहता है, आपके बॉडी में कॉर्टिसोल का हार्मोन इंक्रीज होगा. कॉर्टिसोल इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन. सो अगर आप स्ट्रेसफुल हो, हाउ विल योर बॉडी ग्रो, हाउ विल योर बॉडी बिल्ड मसल्स? इफ़ यू आर काम, अगर आपका दिमाग शांत है, देन ओनली आपकी बॉडी एक आपकी पोटेंशियल रीच कर पाती है. सो वॉट मेडिटेशन इज, मैं मेडिटेशन लाइक लास्ट 1-2 ईयर्स से प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ रोज फॉर 10 मिनट्स. सो वॉट इट डज इज इट लोअर्स माई स्ट्रेस लेवल. मुझे, मैं अभी एक वीडियो शूट करने से पहले ही मैंने मेडिटेशन किया ताकि मुझे काम फील हो सके जब मैं वीडियो शूट करूँ. सो मेडिटेशन करने से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपकी बॉडी शांत रहती है. एंड देन वेन यू डू अदर थिंग्स, इट कैन बी एनी थिंग. सो फॉर अस, अगर हम जिम करते हैं तो हमारी बॉडी हमारी पोटेंशियल तक रीच कर पाती है और आपकी मसल ग्रोथ इंक्रीज होती है. सो अगर आप नए हो, अगर आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है, सो मैं डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो के लिंक दे दूंगा जो बिगिनर्स स्टार्ट कर सकते हैं. इट विल बी फॉर 5 मिनट्स, एज सिंपल एज दैट. आप 5 मिनट्स से शुरू करो, देन यू कैन इंक्रीज योर टाइम. मैं 10 मिनट्स तक करता हूँ, और एक डेली 10 मिनट्स. मेडिटेशन इज डेफिनेटली गोना बी गेम चेंजर. अगर आप अभी ग्रोथ लेवल पे हो, अगर आप 18 ईयर्स के लाइक मेरे जैसी हो, दैट्स गोना हेल्प यू. जस्ट गिव अ ट्राई फॉर 30 डेज एंड यू विल सी यू विल ग्रो योर मसल्स इवन मोर फास्ट एंड यू विल फील पीसफुल ऑल द डे. सो गिव दिस अ ट्राई. टिप नंबर 2, योगा. योगा करने से आपकी मसल ग्रोथ इंक्रीज होगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी. योगा एक रिकवरी का अलग मोड है. मैं डेली योगा करता हूँ फॉर 10-15 मिनट्स, और योगा करने से आपकी बॉडी को ट्रमेंडस बेनिफिट्स मिलते हैं. मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बताता हूँ. सबसे पहले, आपकी मसल जो सोर रहती है वर्कआउट करने के बाद, उन्हें एक स्ट्रेच मिलता है. उनमें जो आपकी मसल्स रहती है उनमें ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है ताकि वो हील होकर रिपेयर हो सके. दूसरी चीज़, आपका मेंटल स्टेट इंक्रीज़ होता है, आपको ज़्यादा काम और पीसफुल फील होता है जब आप योगा करते हो, डेफिनेटली. थर्ड, फील गुड हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं अगर आप योगा करते हो. आपको अच्छा लगता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ताकि आप बेटर फील कर सको. सो मैं खुद डेली इसे करता हूँ योगा को, दैट्स व्हाई एल से मैं योगा करते आ रहा हूँ, मेडिटेशन भी करते आ रहा हूँ. उसके बेनिफिट्स ही मुझे अभी दिख रहे हैं. लाइक आई एम 18 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव अ गुड फिजीक. सो ये चीज़ें होती है जो धीरे धीरे विद टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट देती है आपको आपके लाइफ में. कंपाउंड इंटरेस्ट यानी हैबिट्स गोना गिव यू अ बिग कंपाउंड इफेक्ट. टिप नंबर 3, सीमेन रिटेंशन. मेरे लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट ये था अब तक का. आई वॉज अडिक्टेड टू सम एक्सटेंट टू प्रॉन, एंड ये हुआ बिकॉज ऑफ माई बैड फ्रेंड सर्कल्स. पर उस चीज़ को हील करते करते आई हैव बिकम समथिंग मच स्ट्रॉन्गर मेंटली. पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ अडिक्शन. सो अगर आप फैप करते हो और आप जिम भी जाते हो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले. आपको सीमेन रिटेंशन पे रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सीमेन रिटेंशन करते हो, आपके बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है नेचुरली. उससे आपकी मसल ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प होता है. एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर वॉचिंग प्रॉन और समथिंग, डू यू थिंक इट्स हेल्पिंग यू? ठीक, सी आई वॉन्ट से आई एम टोटली ऑन नो फैब. आई डू स्लीप ऑन समटाइम्स, बट आई ऑलवेज प्रीच टू बी ऑन नो फैब. आई ट्राई एज मच लॉन्ग एज आई कैन, 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, जितना लंबा हो सकता है आई ट्राई टू बी ऑन सीमेन रिटेंशन, बिकॉज दैट्स द ट्रूथ of living. Truth is not to watch videos and just fab. So avoid those things. Kabhi future mein main video banaunga how I healed, the tips, all things, jo bhi strategies mujhe lagi is cheez ko heal karne mein bahut mushkil tha. But yeah, I'm a level ki mujhe urges aati hai, so I'm good. I won't say let's do it. So semen retention par rehne se bahut sare benefits hote hai, like you stay focused, you stay motivated, testosterone increases and you see progress in your life. So that's what टिप नंबर 3. टिप नंबर 4, कैलोरी सरप्लस डाइट. आप सबको पता है मैं पहले काफ़ी पतला था एंड मैंने कभी अपने डाइट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया. मैं हमेशा वर्कआउट पे फोकस करता था. मैंने थोड़ा बहुत मसल मास पुट ऑन किया था, पर मैं तभी पतला ही दिखता था, सो क्या ही फायदा. तो मैंने अपने डाइट पे फोकस दिया. मैं कंसिस्टेंसी से रोज़ सेम डाइट, सेम मील्स, कैलोरी सरप्लस में खाने लग गया था, जिससे मेरा वेट पुट ऑन हुआ, जिससे मेरे मसल्स बिल्ड हुए, तब जाके रिजल्ट्स दिखा. अगर आप पतले हो तो आपको कैलोरी डेंस फूड ज़्यादा खाने पड़ेंगे, जिसकी कैलोरीज ज़्यादा हो और वो हेल्दी हो. सो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए ऑन वेट गेन, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, यू कैन चेक दैट आउट. इफ यू वांट टू गेन वेट और इफ यू वांट टू लूज वेट, यू नीड टू फोकस ऑन योर कैलोरी इनटेक. लाइक वेट गेन करने वालों के कैलोरी सरप्लस फूड इज
इम्पोर्टेंट। पेट गेन करने वालों के लिए कैलोरी सरप्लस फूड इज इम्पोर्टेंट। टिप नंबर 5 और लास्ट टिप, डोंट स्टे मोनोटोनस। सो मैंने काफ़ी लोग के YouTube वीडियोस देखे और काफ़ी लोगों को देखा, वो एक ही वर्कआउट रूटीन को फॉलो करते आते हैं एंड देन दे डू सेम एक्सरसाइज सेम रूटीन फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। सो मुझे लगता है जब आप कोई भी वर्कआउट रूटीन को फॉलो करते हो फॉर मंथ्स, जब वो रिपीट करते हो तो काफ़ी बोरिंग सा हो जाता है, और जब वो वर्कआउट्स बोरिंग हो जाता है आपके वर्कआउट्स का जो रिजल्ट्स होता है वो भी बोरिंग ही रहेगा। सो मेरी एक टिप है, अपने वर्कआउट रूटीन को हमेशा चेंज करते रहना। अगर आपको कोई एक्सरसाइज करने में मज़ा नहीं आ रहा है, डू वो एंड डू डिफरेंट एक्सरसाइज। दुनिया में बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, मुझे इंक्लाइन बेंच प्रेस करने में मज़ा नहीं आता है, सो आई डू डैट विद डंबल्स। सो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको सीखना पड़ेगा टू ग्रो मसल्स। आई होप दिस वीडियो इज डिफरेंट एंड गॉट यू अ वैल्यू, एंड दिस वर द 5 टिप्स दैट विल हेल्प यू टू ग्रो योर मसल्स फास्ट। इस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी ऑफ माय बेस्ट वीडियोस। अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना ये वीडियो, एंड आई वांट टू ग्रो अ कम्युनिटी वेयर वी कैन ग्रो टुगेदर। सो या लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कौन से टाइप की वीडियोस और देखने हैं, दैट विल हेल्प मी टू मेक मोर वीडियोस। एंड या दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, देयर इज माय इंस्टाग्राम लिंक, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी एंड आस्क एंड टॉक विद मी एनी टाइम एंड आस्क क्वेश्चंस। सो या सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।